परिवहन अधिनियम संशोधन 2013 पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ तथा अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे इस बल पर बोलने का सौभाग्य मिला है। महोदय, जलपोतों में खतरनाक रसायन वाले रंगों के इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे रंगों के इस्तेमाल से समुद्री जीव जंतु एवं पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा था। मंत्री जी ने बताया कि वो उसको उसे चेंज किया गया है, जिससे पर्यावरण को और जीव जंतु जो समुद्र में रहते हैं उन्हें नुकसान ना हो। समुद्र, भारत का समुद्र तट लंबा होने की वजह से इस समुद्री तट में मत्स्य विभाग का भारी हित निहित है। मत्स्य कार्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पानी की आवश्यकता होती है। मत्स्य उद्योग मछुआरा और उनके परिवारों के लिए जीविका चलाती है, साथ ही उनसे अन्य वाणिज्यिक उद्योगों को सहारा मिलता है, जैसे नाव बनाने वाले, ट्रैप और जाल बनाने वाले, पैक करने वाले, वितरक और खुदरा व्यापारी। अगर ये रासायनिक पेंट समुद्र में जल पोतों पर नहीं लगेगा तो इन सभी को लाभ होगा। दूसरा, लेबर के बारे में बिल पेश किया गया है। लेबर के घर और मेरा सुझाव है कि लेबर के लोगों के लिए घर और चिकित्सा वेतन आदि की अच्छे उनके अधिकारियों की रक्षा होनी चाहिए। महोदय, अक्सर पढ़ने में आता है कि समुद्र में सोमालिका के डकैतों ने जहाज का अपहरण कर लिया। हमारी चिंता है कि जो जहाज पर काम करने वाले लोग हैं वो कई कई महीने तक बंधक बनाए जाते हैं, उनके परिवारों की क्या स्थिति होगी, क्या वे सोचते होंगे, क्योंकि जो कमाने वाला है वो बंधक है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि हमारे जो जलपोत हैं उनका कोई अपहरण न कर सके। दूसरे, समुद्री कर्मियों के लिए पेंशन का मुद्दा हमेशा छाया रहता है, इस पर भी, इस समस्या का भी समाधान किया जाना चाहिए। कंपनी और संविदा पर काम करने वाले जो समुद्र में जलपोत पर संविदा पर काम करते हैं उनके बीच जो एग्रीमेंट होता है उस पर सरकार ध्यान दे और उनको अच्छा पेमेंट और समय से उनका वेतन मिले। महोदय, जो शिप पर नौकरी करता है, नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे, ये सच्चाई है कि जो शिप पर नौकरी करता है ये बहुत कठिन नौकरी है, इससे कठिन नौकरी कोई नहीं है। उन 6-6 महीने तक उनका यही पता नहीं रहता वो कहाँ हैं, और कभी कभी बताया उन्होंने कि अगर पाकिस्तान की सीमा में घुस गए तो वो पाकिस्तान उठा कर बंद कर देता है। उनको लंबी छुट्टी मिलनी चाहिए और उनके वेतन बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे बीच के लोग हैं। मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण भी चाहता हूँ, जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि एक उसमें लिखा है कि 16 साल के से कम उम्र के लोग जलपोत पर काम नहीं करेंगे, और दूसरी जगह लिखा है कि रात में युवा का लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे। इन दोनों में क्या बात है ये माननीय मंत्री जी अपने उसमें स्पष्ट करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ अब इस उम्मीद के साथ कि जो मेरे सुझाव थे उन पर निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी विचार करेंगे। धन्यवाद।